जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम है अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है इतने दिन के अंतराल के बाद में कि रिलेशन की भर्तियां दोबारा से शुरू हो रही हैं और ये रिलेशन की भर्ती सबसे पहले आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ आर्मर्ड कोर का सेंटर है ये, और यहाँ पर ये भर्ती रिलेशन की भर्ती की जाएगी। ये जो भर्ती है आपकी 26 जुलाई से शुरू होगी और ये भर्ती 11 अगस्त तक चलेगी। तो साथियों, अभी आपको आज हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे ये भर्ती कब से शुरू होगी, किस किस स्टेट की भर्ती होगी, कौन इस भर्ती को कराएगा, इस भर्ती का प्रोसीजर क्या रहेगा, किस प्रकार से पूरा शेड्यूल है। तो आज हम इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसमें एक एक बात सुनने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप अपना समय लगाकर इस वीडियो को ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपको स्टिक और उचित जानकारी मुहैया करवाते हैं हमारे चैनल पर भर्तियों के बारे में, चाहे वो आर्मी की भर्तियां हों, एयरफोर्स, नेवी की, किसी भी प्रकार की रिलेशन के बच्चों के, स्पोर्ट्स के बच्चों की कोई भी भर्ती हो, हम हमारे चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो जिस भाई ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, इस पूरी भर्ती की प्रोसीजर की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो साथियों, ये 8 जुलाई का लेटर है जिसके अंदर निकाला है भर्ती का पूरा शेड्यूल, इनरोलमेंट रिलीज है ये शेड्यूल इसका, जुलाई अगस्त 2022, और ये जो भर्ती है 26 जुलाई 2022 को शुरू होगी। तो सभी जो भी मेरे भाई हैं उनको बताया गया है, जो जिस भी ट्रेड का भर्ती देख रहा है, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं ट्रेड कवर कर देता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अग्निवीर सोल्जर कलर्क SKT की भर्ती है, अग्निवीर सोल्जर GD AFV, अग्निवीर सवार GD की भर्ती है, अग्निवीर सोल्जर GD AFV केमखानी, यहाँ पर केमखानी जो कास्ट है उसकी भी भर्ती है। उसके बाद अग्निवीर सवार राइडर जो कि एज पर 61 कैवलरी है, जहाँ पर ये क्लास कंपोजिशन है, वहाँ पर उनकी भर्ती भी की जाएगी। एक आर्मर्ड कोर की यूनिट है 61 कैवलरी, जिसके अंदर घोड़े हैं आज भी, तो वहाँ पर उनके लिए भी जो सवार की भर्ती होती है उनकी भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। एक अग्निवीर की है जो ये वुड वर्क्स की GD की, इसकी भी भर्ती की जाएगी। उसके बाद अग्निवीर सोल्जर ट्रेडमैन की भर्ती की जाएगी। सोल्जर ट्रेडमैन में जो ER स्टाफ होता है, जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, उसकी भर्ती है, ड्रेसर की भर्ती है, वाशरमैन की है, मैच कीपर की है, सेफ की है, स्टेवर्ड की है, टेलर की है और हाउस कीपर की है। इन प्रकार के सभी ट्रेडों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसकी जैसी योग्यता है इस प्रकार से ये भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए जो उम्र है 17.5 से 23 साल है मैक्सिमम। ये सिर्फ इस बार रैली के लिए है, अगली बार से 17.5 से 21 साल उम्र रहेगी। अब जो भी भाई रैली में जा रहे हैं, अब सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो रिलेशन के बच्चों से भर्ती की शुरुआत होगी, जो 26 जुलाई को जो भी बच्चे गेम के बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो सभी गेम कोटा के ओपन कैटेगरी यहाँ पर स्पोर्ट्समैन में उनकी ट्रायल ली जाएंगी। यहाँ पर ट्रायल में जो सेलेक्ट होंगे उनके बाद जो है रनिंग फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन एनी सच। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर ट्रायल में वो होगा उन्हीं को ही दौड़ में भागने की परमिशन दी जाएगी। पहले सबसे पहले ट्रायल ली जाएंगी जो अंडर PTO की होंगी, जो फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, और इसके अंदर पूरी ऑल इंडिया के ZRO जो भी हैं सभी की भर्ती की जाएगी। तो जो भी स्पोर्ट्समैन भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचें 26 जुलाई को, ठीक है, वो आपको पता ही रखा है कि गेम का क्या शेड्यूल है, जो पुराने समय में जो होता था उसी प्रकार से सेम रहेंगे। उसके बाद ट्रेडमैन के लिए है, जो कि म्यूजिशियन वगैरह होते हैं उनके लिए ट्रेडमैन में, उनका भी यहाँ पर जो अंडर AC डिपो के चलेगी ट्रायल, और इसके अंदर भी ऑल इंडिया, ऑल कास्ट और ऑल ZRO की लड़कों को लिया जाएगा यहाँ पर।
जो रनिंग फॉर द म्यूजिशियन कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन एक, इनकी जो पहले रनिंग है वो 1 अगस्त को होगी इनकी, यहाँ पर पहले ट्रायल होगी, जो ट्रायल में फिट होंगे म्यूजिशियन में उन्हीं की रनिंग होगी, तो इस प्रकार से बताया गया 26 जुलाई को। 27 जुलाई को जो चेन्नई ZRO है उसके अंडर जो भी जिले स्टेट्स आते हैं उन सब की, इसके अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और या आइसलैंड, यूटी वगैरह जो पांडिचेरी वगैरह हैं यहाँ पर इनकी भर्ती होएगी। उसके बाद 28 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक यहाँ पर बिहार और झारखंड के लिए चलेगी भर्ती, जो दानापुर ZRO है यहाँ पर, इसके लिए सभी ट्रेड की भर्ती की जाएगी, ठीक है। याद रखो ये जिस दिन स्टेट का बता दिया उस दिन उस स्टेट के सभी ट्रेड की भर्ती कंडक्ट की जाएगी। जैसे आज, जैसे सपोज दैट आज 27 जुलाई है, 27 जुलाई को आंध्र प्रदेश के जो भी लड़के आ रहे हैं जो चेन्नई ZRO के, उनकी सभी ट्रेड के लड़कों की यहाँ पर भर्ती होगी, कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो इस प्रकार से भर्ती की जाएगी। उसके बाद 30 जुलाई को महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता ZRO और पूना ZRO के अंडर आते हैं, इन सब की भर्ती की जाएगी। उसके बाद 31 जुलाई को संडे है, यहाँ पर छुट्टी रहेगी, रेस्ट है। फिर 1 अगस्त से शुरू होगा, 1 अगस्त को पंजाब और जम्मू कश्मीर की है, जालंधर ZRO की। उसके बाद 2 अगस्त को जो है आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, जो शिलोंग ZRO के। 3 अगस्त को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ यूटी, अंबाला ZRO के अंडर जो आते हैं। उसके बाद 4 अगस्त को दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, IRO दिल्ली के लिए, यहाँ पर इन स्टेट की भर्ती। 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, लखनऊ ZRO के अंडर। 5 और 6 अगस्त को, क्योंकि ये स्टेट बड़े हैं तो इसलिए इनको दो दो दिन दिए जा रहे हैं, जैसे बिहार झारखंड है और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनको दो दो दिन के लिए दिया क्योंकि ये बड़े स्टेट हैं, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा आएंगे। उसके बाद 7 अगस्त को संडे है, छुट्टी रहेगी। 8 अगस्त को जो है कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तो इस प्रकार से ये बेंगलोर और जबलपुर ZRO का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी आएंगे यहाँ पर 8 अगस्त को। उसके बाद 10 और 11 अगस्त को है वो राजस्थान की है, जो जयपुर ZRO के अंडर आते हैं। 9 अगस्त को छुट्टी रहेगी, ठीक है, मुहर्रम है। इस प्रकार से सभी ट्रेड की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। अब आपको बता देते हैं साथियों, ये सारे चार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा जिस भाई को कोई भी डाउट है तो हमें फ़ोन करके पूछ सकता है। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आप हमारी अगली स्लाइड पर देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे। अब आपको बता देते हैं ये जो भर्ती है, ये लेटर निकला हुआ आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है ये अभी का है, ये 9 जुलाई का। आप इस लेटर को ध्यान से देखो साथियों, ये लेटर अभी निकला है और इसके अंदर डेट डली हुई है 9 जुलाई 2022, इसी रिकॉर्ड को भेजा गया है ये। और इसमें बताया गया कि जो बोर्ड बन गया है ऑफिसर JCOs का, जो UHQ इनरोलमेंट होनी है, जो 26 जुलाई 2022 से 11 अगस्त तक रहेगी ये भर्ती, इसके लिए बोर्ड बना दिया गया कि कौन इसमें प्रेजेंडिंग अफसर रहेगा, कौन सा स्टाफ क्या करेगा। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती है इसके लिए जो प्रेजेंडिंग ऑफिसर है वो CO है A&E रेजिमेंट का, आर्मामेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रेजिमेंट है, A&E बोलते हैं उसको, जो CHQ के सामने है। तो यहाँ पर ये इनका जो CO है, प्रेजाइडिंग अफसर रहेगा इस भर्ती में। उसके अलावा ये भर्ती का जो फिजिकल है वो BTR के अंदर किया जाएगा, जहाँ पे गेम की ट्रायल वगैरह और फिजिकल BTR के अंदर चलेगा। तो आपको बता दें BTR जो औरंगाबाद रोड पर है, BTR का फुल फॉर्म है बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट सेंटर, तो यहाँ पर ये रहेगा। इस प्रकार से ये पूरा शेड्यूल इसके अंदर बताया गया है और ये लेटर निकाल रखे 8 जुलाई का, ये बता दिया ये भर्ती करवानी है। जो भी बच्चे हैं ऑफिसर JCOs और OR के, वो सभी यहाँ पर पहुँचें इस भर्ती के लिए, और जो भी सारी डिटेल हैं UHQ इनरोलमेंट के लिए वो सारी इसके अंदर PDF के अंदर कवर की हुई हैं साथियों। इसके लिए अलग से वो बना दिया गया सॉफ्टवेयर
पे सिस्टम के लिए भी इनका अलग से आर्मी नंबर मिलेंगे। ये सारी भर्तियाँ टीओडी के अंदर होंगी अग्निवीर में, सभी ट्रेड के लिए अग्निवीर के अंदर कंडक्ट की जाएंगी और ये इनके लिए अलग से सिस्टम रहेगा सारा। यहाँ पर इनको आर्मी नंबर भी अलग मिलेगा, इनको पे सिस्टम भी इनका अलग रहेगा, इनका सैलरी का सिस्टम अलग से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया गया है इनके लिए और इनका पूरा प्रोसेस अलग से किया गया है इस भर्ती का। इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो सभी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, इनसे एफिडेविट लिए जाएंगे, उसके बाद इनको भर्ती की परमिशन दी जाएगी। और वो आप ध्यान से पढ़ लेना, जो भी भाई भर्ती में जा रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो साथ लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट के लिए हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और जो भी मेरे भाई साथी हैं गेम के हैं उसके लिए भी अलग अलग हैं, जो और भी ट्रेड की भर्ती देखना चाहते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हमने बता दी है। तो ये भर्ती सच में है, ऐसा मत समझना कि ये झूठ है। इसका लेटर हमारे पास आ चुका है और मैं अपने चैनल पर वही वीडियो अपलोड करता हूँ जिसकी हमें पुख्ता जानकारी और सही स्टिक जानकारी होती है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हम इस प्रकार की आपको भविष्य में जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप भी किसी प्रकार की भर्ती की जानकारी या तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम, ये हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के तोसाम तहसील के अंदर ये अकेडमी है। आप हमें गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट्स अकेडमी लिखकर। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम के नाम से, फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी, इंस्टाग्राम पर भी हमारा ओम स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है, टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर 7056-390-909-7056-390-909। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।